My University challenges me with innovation. My University connects me to the world. My University is highly ranked. Maharshi Markandeshwar deemed to be university. Think success. Think MMTU. हिमाचल प्रदेश उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने गुरुवार को 66 जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख के चेक वितरित किए। एसडीएम कार्यालय परिसर में विशेष कार्यक्रम के दौरान ये राहत राशि प्रदान की गई। प्रोफेसर राम कुमार ने कहा कि जयराम सरकार के पौने तीन साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री राहत कोष से हरोली के जरूरतमंद लोगों को करीब 6 करोड़ की राशि बांटी गई है। बिना किसी भेदभाव के साथ ये राशि वितरित की जा रही है, जो कि भविष्य में भी जारी रहेगी। हरोली विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन सालों से करोड़ों रुपए की सहायता मदद प्रदेश सरकार द्वारा, चाहे वो मुख्यमंत्री राहत कोष हो या फिर मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से हो, या समय समय पर हम अपना जो श्री कुंतपूर्णी ट्रस्ट है वहाँ से इस प्रकार से मदद प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा की जा रही है। तो अभी तक अगर पूरे हरोली विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो इन लगभग 2.5 वर्षों में लगभग 6 करोड़ की सहायता राशि ज़रूरतमंद लोगों को, जो बीमार हो गए, जिनके घर में कोई आपदा आ गई, उसके तहत राहत राशि के रूप में दी गई है। और आज भी उसी कड़ी में लगभग 66 लोगों को 15 लाख के आसपास की ये सहायता राशि दी गई है। कोरोना काल के चलते ज़्यादा लोग हमने नहीं बुलाए थे, लेकिन फिर भी 66 लोग यहाँ आए थे, उनको आज राहत राशि वितरित की गई है। और आने वाले समय में इसी प्रकार की सहायता हरोली प्रशासन द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा हरोली की जनता को तो संकट के समय में, आपदा के समय में या बीमारी के कारण जो उनको धनराशि खर्च करनी पड़ती है, उसके इलाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार करती रहेगी। और जैसे मैंने कहा कि अभी तक लगभग 6 करोड़ के आसपास राहत राशि हरोली विधानसभा क्षेत्र में राहत के रूप में दी जा चुकी है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हरोली से वी कौंडल के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।